हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी, उनके दो पिता थे। इनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब रहे और गरीबी में ही मर गए, इसलिए ना रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। लेकिन इनके दूसरे पिता गरीब पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी अमीर थे, इसलिए वो उन्हें रिच डैड बुलाते थे। पर ये सोचने की बात है कि एक ही इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं। पर इसका जवाब यही है कि उनके गरीब पिता यानी कि रियल पिता का एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट को अपने दोस्त माइक के पिता थे, और वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस को ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूलों में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से सीख सकता है। तो स्कूली पढ़ाई सिर्फ आपको अच्छे ग्रेड्स तो दिला सकती है, लेकिन ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखा सकती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठ करके सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए पहला प्रिंसिपल कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए ये कहानी आपके लिए काफ़ी मदद हेल्प करेगी। तो होता ऐसा है कि एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से मेहनत करवानी रहती थी, वो एक गाजर को उसके सामने में लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए एक अच्छी खासी तरकीब बन गई काम करवाने की। मगर बेचारा गधे कभी भी वो गाजर नहीं खा पाया। अब पूछे क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उसी गधे की तरह होते हैं, वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पे हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। बस इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं, फिर हमारा लालच हम पे हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं और ज़्यादा कमा सके उसके लिए, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। तो इसी को अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, और ये एक ट्रैप है, यानी कि ये एक जाल है। और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वो इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोच करके मत जाइए कि हर महीने आपको एक पैसे मिलेगा, क्योंकि वो पैचेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। वैसे ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर के आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ करके और ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। सच का सामना कीजिए, आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल है वो आप खुद से ही पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे, गरीबी में जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए,
क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सब के अंदर में डर और चाहत की भावना होती है और ये नेचुरल है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी बनना होने दे कि हम उन्हें उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाए। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच ले, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। एक बात याद रखना कि आपकी परेशानी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा है तो उनको इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्या की जिम्मेदारी लेते हैं तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने में लगा दिया, उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक की फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी, आधा हिस्सा वो रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था, वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वो उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स को अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देना स्टार्ट कर दिया। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायने में वो उन्हें बच्चे को बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज में काम भी नहीं करना पड़ा जहाँ से वो कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था, तो एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आते हैं दूसरा प्रिंसिपल जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि 1923 में यानी कि 1923 में एज वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर्स और बहुत अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स फाब और सैमुअल इंसुएल, जो कि उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट थे, और बाकी कई और भी बड़े बिजनेसमैन। तो इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने कुछ खुदकुशी कर ली और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। तो असल बात ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात, जो अक्सर कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई या कोई अड़ी आ गई या बुरा वक्त आ गया, तो आप उसका सामना आसानी से कर लेते हैं। या हो सकता है कि अगर आप ठीक तरीके से प्लान करें तो बुरा वक्त आए ही ना। वैसे लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुराने हालत में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बना जाए या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको कोई एक गहरा खड्डा खोदना होगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप छोटा सा घर बनाना हो तो आपको एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डाल करके भी आपका काम चल जाएगा।
मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हमने से ज़्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि वो बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल ज़िंदगी में यही सब कुछ नहीं है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रिंसिपल, जो कि कहता है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में फ़र्क समझे और हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़ी आसान सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ को यानी कि जिम्मेदारियों को एसेट समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस यानी कि KISS प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कि कीप इट सिंपल स्ट्यूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वह इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब हो गए। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लाइबिलिटीज़ यानी कि अपनी जिम्मेदारियों और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच में फ़र्क को समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। ये एक्चुअली में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे को सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट के बीच में फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं है। मतलब ये कि इनका मिस्टेक और प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट इनकम को मान के चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम यानी आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंसेस यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को ये नहीं पता होती कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस बात को समझना चाहें तो एसेट्स वो चीज़ें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए आप कोई घर खरीद लिए हैं और उसको किराए पर देते हैं, तो आप उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लाइबिलिटीज आपकी जेब से खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उससे रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदना होगा और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज खरीदिए। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसीलिए होता है कि वो इसकी KISS कीप इट सिंपल स्ट्यूपिड प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये बात पे जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर्स से कुछ नहीं होता, फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी को खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है। अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता वो उससे भी नीचे चले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, कभी हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल फीस और भी ना जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसमें ही खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनके कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते हैं। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज़ के खर्चे में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1,000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्च कर देता है, $200 उसके आने जाने का किराया हो जाता है, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाते हैं। अब उसके पास में बचा हुआ कुछ भी नहीं और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसको काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वह और भी गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद के रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा के देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती ही जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वो घर लोन पर लेकर के
उसे किराए पे लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वो अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। इसे कुछ यूँ समझ लेते हैं कि आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे और $1 अपने जेब पे। तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में बस सोच का फासला है, अपना पैसा कैसे खर्च करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 यानी कि 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर के क्या बनेंगे, तो सबके पास में यही जवाब होता था कि वो अच्छे ग्रेड्स लेकर लाकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं, बावजूद इसके उनमें से काफ़ी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने से उनके सारी दूर परेशानियां दूर हो जाएगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर CEO, या फिर कोई मूवी स्टार, या फिर रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ करके वो करियर में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आजकल फाइनेंशियल लाइफ में बहुत आम हो गया है। अक्सर नई शादीशुदा जोड़ी ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वे पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने में ही होता है। उनकी कमाई में बढ़ने लगती तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हो तो या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर से चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक बड़ा घर खरीद सकते हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं। मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लाइबिलिटीज़ को भी खरीद लिया है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सब कुछ नया। उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती ही चली जा रही है और ज़्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ में खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेट रेस में बुरे तरीके से फंस चुके रहते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास में आकर के पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज़ का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है, क्योंकि उनकी समस्या ये नहीं है कि वो ज़्यादा नहीं पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि जो ही कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। वैसे एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं मनोचिकित्सकों यानी कि साइकोस्ट्रीट का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और उससे अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम पर वो कहीं हंसेंगे तो नहीं, बस यही सोच करके ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वो वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। ऐसे लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बना करके संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, लोन लीजिए। अरे अब तो प्रमोशन हो गया है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, तो नया घर तो ले ही लो। यही सब बातें सुन करके हम लोगों से सुनते आ रहे हैं और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही ज़रूर से सही होगा। भाई इतने सारे लोग मिलकर के कोई गलती तो नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा सोचते हैं हम, राइट? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर डैड ने कहा है कि जापानीज लोग तीन चीज़ों की ताकत जानते हैं, तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हैं, शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ या फिर मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर के रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा बस वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। 16 साल की रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वो अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ में रखा करते थे।
यहाँ एक ऐसे आर्मी डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर्स भी देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूल पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनके टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था, तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरीके से बच्चे की प्रतिभा को निखरने नहीं देती है, उसे दबा देती है, उनकी क्रिएटिविटी को मार कर उन्हें एक सांचे में ढाल करके एक समाज का मशीनी हिस्सा भर बना देती है। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स ला कर के ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। वैसे एक दिन रॉबर्ट ने अपने गरीब डैड से बहस कर ली। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रेड रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत थी ही नहीं। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट्स नहीं बल्कि लाइबिलिटीज है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में बिल्कुल मिल कुछ नहीं रहा था, ये बात उनके गरीब डैड नहीं समझ पा रहे थे। तो बस यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच में। खैर, उनकी बहस तो चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोग की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए वो 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी जितनी घर की कीमत नहीं थी, उससे ज़्यादा कर्ज उनके सर पे चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पे लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता है और ना ही वो इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इस तरीके से कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पे ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कई ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर पे शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। अगर वो ये जान करके हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1,000 था, ये उनके लिए बहुत बड़ी कीमत थी। और क्योंकि वे रिटायर्ड हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट के बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक नया घर ना लो, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट्स आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वो भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल ये है कि अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों होते जाते हैं? तो इसके पीछे एक वजह है, कारण एकदम सिंपल है। अमीर एसेट्स खरीदते हैं जो कि उनका पैसा दुगना करता है, उस पैसे से वे उनके सारे खर्चे मज़े में निपट जाते हैं, और मिडिल क्लास वो बस एक महीने की एक तारीख का इंतजार करते हैं जब उनकी सैलरी आए। तो सारी के सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में ही ख़त्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? तो और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाते हैं और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी। फिर अंत में वही रेट रेस चलती ही रहती है। कहने का मतलब ये है कि एक कर्ज में डूबा हुआ समाज जहाँ पर हम रहते हैं, मतलब ये कि अपने घर को एसेट समझना ही वो रीज़न है जो कि हमको कर्ज के बोझ तले दबा देती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वो बड़ा सा घर ले सकता है, क्योंकि उनको अपने पैसे का सही इस्तेमाल सोचते हैं। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हार तोड़ मेहनत करने में ही चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वो नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब ज़रा खुद से ये सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी को छोड़ करके बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा?
क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लाइबिलिटीज पाल ली है, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बहुत ही कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्क के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता, नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है। चाहे वो गैराज में पड़ी बड़ी पुरानी कार हो, अब भले ही वो कार काम की ना हो, जबकि वेल्थ का मतलब है आपके पास में जो पैसा है उससे आप कितना और कमा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एसेट्स है जिससे हर महीने मुझे $3,000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6,000 खर्च हो जाते हैं, तो सिर्फ मैं आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो सोल्यूशन ये होगा कि अपने एसेट्स से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दो। जब वो $6,000 आपको मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे, मगर इस तरह आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट्स आपका सारा खर्च कवर कर लेगा। अब वेल्दी आप तभी बन पाओगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स के ग्रोथ से कम होंगे। और इसी के साथ आगे है चौथा सबक, जो कहता है कि अपने काम से काम रखिए। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रेड रॉक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वो उनके साथ में बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वो हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वो हंसने लगे और बोले कि इसका असल बिजनेस तो रियल स्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ करके किया जाता है। जहाँ उसके फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब था कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरीके से वो रियल स्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के नौकरी छोड़ करके बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो उस कंपनी के काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मोटेज दे करके उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉई बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स बनी है पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आप बनेंगे। अब मुसीबत तो ये है कि उसे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता कि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानने की गलती कर रहे थे वो एक्चुअली में कभी एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनके लिए लाइबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी है नौकरी, और कभी वो सेफ जो उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबत तो शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और यही फाइनेंशियली सिक्योर होने का सही तरीका है। आप कितने भी अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको इतना पैसा नहीं मिलता जितना आप सोच रहे हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी कि आप अभी नौकरी छोड़े। आप अपने नौकरी करते रहे पर साथ में एसेट्स भी खरीदते रहे। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वो मेरी नज़र में एसेट्स यानी संपत्ति नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप उसको चलाना स्टार्ट करेंगे वो अपने कीमत 25% को देगा। अब किस तरीके के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। ऐसा बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि आप वहाँ पर पे ज़्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं नौकरी कहलाएगी। दूसरा है रियल स्टेट पे पैसा लगाए। तीसरा है स्टॉक और बॉन्ड खरीदे। और जब एसेट खरीदे तो अपने पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाए, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आपकी उसमें रुचि होगी तो
आप उसमें बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल स्टेट और स्टॉक पे रुचि थी, खासकर छोटी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पे उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी, वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हो उसे बेकार ना जाने दो, अपने पैसे को अपना गुलाम मान करके चलिए जो कि आपके लिए काम करेगा। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास के बीच में यही सोच का फर्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वही अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। और इतना समझ लेने के बाद अब अगले सिद्धांत में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। तो चौथा सिद्धांत कहता है कि अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बढ़ा और उन संभालने में मुश्किल होने लगी। वो वेस्टर्न यूनियन गए और उन्होंने अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $100,000 में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशेंट को ठुकरा दिया, उन्हें ये दाम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1987 से प्रोफेसर तौर पर पढ़ा रहे। एक चीज़ जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद ये जानी कि वो उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो कि हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो हमें खुद पे डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड से काफ़ी नहीं होते हैं। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो कि बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत ही और बोल्डनेस भी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम और बाकी साथ दिवालिया बन करके गरीब हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में आप लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है, फिर भी अपनी गलती ना मान करके या तो अपने बॉस को इल्ज़ाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर पर एसेट्स था वही अभी लाइबिलिटी बन चुकी है, तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया जिसे वो कैश फ्लो कहता है। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रेड रेस से बाहर कैसे निकला जाए। ये सारी चीज़ें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई गेम खेलने के दौरान, उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोर्ड जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि वो बोर्ड लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोर्ड उसके लिए अब एक एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटीज बन चुकी थी। उसे पता चला कि ऐसे तो वो बोर्ड उसकी, उसे ये आइडिया समझ ही नहीं आया और वो रिफंड की मांग की और वो चली गई। फिर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि उसे अब ये गेम का आइडिया समझ में आने लगा था, वो उससे अपनी लाइफ को जोड़ करके देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है इस बात को समझ न पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारे समझ से परे होती है उस पर गुस्सा आ जाता है और हम ज़िंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये तरीका एकदम गलत है। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ भी जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें, तो वो हैरान होने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और फिर वो बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह ज़िंदगी में सही मौक़ों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास पैसा और मौका दोनों ही मिले फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर के कितने क्रिएटिव हो सकते हो। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और मिलता है पैसा मगर मौका नहीं उस सूरत में क्या करेंगे, ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है।
ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए कैसे मौका पैदा करना है, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे ख़ास बात अमीरों की जो है वो है कि उन्हें पता ही नहीं कि पैसा असली चीज़ नहीं है, असली चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना है कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट्स होता है, यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिला करके चलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत को खुद के अंदर कैसे पैदा करना है। आपको अपने सबसे बड़े एसेट्स यानी कि आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो आइए हम इसे समझते हैं एक उदाहरण से। 1990 के दशक में एरिजोना और फोरेक्स की आर्थिक हालत बुरे चल रहे थे। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हो। इससे तो अच्छा है कि इनका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो कि आगे चल करके आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पौने दामों में बेच रहे थे उसे कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अल्टोनी के ऑफिस में एक ऐड दिया। $75,000 वाला घर उन्होंने सिर्फ $67,000 में लिया। बस इसे लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्राइमरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेस्ट कि वो उनके एसेट्स कॉलम से इन्वेस्ट किए गए थे, और बगैर टैक्स उनके अचानक से मिले गए एक मौके का फ़ायदा उठा करके ये पैसा क्रिएट अपने इनकम कॉलम में डाल दिया। कुछ सालों बाद ही उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी के कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीज़ें सब कवर हो रही थी। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों तक टैक्स लगाती, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद जो घर $60,000 में बिका था अब वो $110,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे मगर वो इतने कम थे कि उसके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता और अपना वक्त भी। तो वो आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौकों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए कि मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम सबसे पावरफुल एसेट्स यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी भी एक सी नहीं होती, जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंस है तो, क्योंकि आप तो हर हालत में तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उन मौक़ों को लपकने की। अमूमन हम दो तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का नाकाम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना पैसा बना लेते हैं। अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन तीन स्किल को समझने की ज़रूरत है। पहली, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो कि बाकी ना ढूंढ सके। याद रखें कि आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी नहीं देख पाए। दूसरा है, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो मिडिल क्लास लोग केवल बैंक जाते हैं, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ा करके कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे है, तीसरा, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो अपने से ज़्यादा लोगों को साथ मिलकर के काम करते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज़्यादा होगा, मगर इसके रिवॉर्ड्स तो बड़े ही शानदार हैं। ज़िंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख गए
तभी आप अमीर बन पाएंगे। और इसी के साथ आगे है पांचवा प्रिंसिपल, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। तो बात ऐसी है कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बहुत ही प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बन करके उनकी ही तरीके से एक दिन फेमस होना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है कि उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है। इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी है मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वो ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी एक सेल्स स्कूल जा चुके हैं। तो इस बात का पॉइंट ये है कि आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए जब तक आप ये बात नहीं समझ सकते तब तक आपका टैलेंट यूँ ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश होने का हुनर नहीं सीख जाते आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में था वो ये था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करता था कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ था। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर दे रहे थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवॉर्ड करता है किसी एक ही खास चीज़ में महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं तो उसके बाद किसी के स्पेशलिस्ट फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और, मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, चीज़ें कैसे मिलेगी जानेंगे, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक के को अपने साथ लेके जाते थे जब भी अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलते थे। जब रॉबर्ट ने मेरी कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए अपने हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने इतनी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे इनके अलग तरीके के फैसले से सख्त निराश थे। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था मगर उन्हें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वो सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाता है। किसी भी कंपनी को अपनी बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल है कि रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। रतलाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वे इतने शर्मिले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक जेरोक्स की सेल्स प्रिंटिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट खुद अपने कंपनी का शुरुआत की और अपना पहला स्टेटमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 के पहले की उम्र से दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं वो काम छोड़ करके ना जाए, और ज़्यादातर वर्कर भी जी फाड़ करके इसलिए मेहनत करते हैं कि वो काम से निकाले ना जाए, इसीलिए तो उन्हें अपने सिर्फ सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता है। तो क्यों ना आप वो सब अभी सीख ले जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी में बनकर रह जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं ख़त्म होती है। अब